राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। राजधानी जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं हो पा रही इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग। आपको बता दें, इंडिगो की फ्लाइट 6E7403 लैंड नहीं हो पा रही है। दिल्ली से जयपुर आई है ये फ्लाइट, लेकिन लगातार इसकी लैंडिंग नहीं हो पा रही। लगातार ऊपर यहाँ जो फ्लाइट है वो घूमती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर फिलहाल घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर दृश्यता जो है वो काफी कम बनी हुई है। जयपुर के आसपास में लगातार आसमान पर फ्लाइट फिलहाल चक्कर काटती हुई दिखाई दे रही है। रनवे दृश्यता बढ़ने पर फ्लाइट नीचे उतरती हुई दिखाई देगी। तो आपको बता दें, एक और जहां पर कोहरा लगातार बढ़ रहा है, उससे आम जनजीवन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर इस कोहरे का, इस सर्दी का असर जो है वो फ्लाइट पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर दृश्यता जो है वो काफी कम बनी हुई है, जिसकी वजह से इंडिगो की फ्लाइट जो है, जो दिल्ली से राजधानी जयपुर आई है, वो फिलहाल नीचे लैंडिंग नहीं कर पा रही। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, खबर सामने आ रही है कि फ्लाइट लैंडिंग नहीं कर पा रही, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, और साथ ही अगर बात करें प्रशासन की, कितना वक्त लगेगा लैंडिंग करने में? जी प्रीति, देखिए, एयरपोर्ट पर इस वक्त की अगर हम बात करें तो जो रनवे दृश्यता है वो 500 मीटर से कम है, और इसी वजह से इस फ्लाइट की जो लैंडिंग है उसमें देरी हो रही है। इस फ्लाइट को 550 मीटर से ज्यादा की दृश्यता चाहिए जी। और ये जो फ्लाइट है इंडिगो की, जो कि ATR विमान है, छोटा विमान है, जिसकी की कैपेसिटी 72 सीटर है, और इसको लैंडिंग के लिए ज्यादा रनवे विजिबिलिटी चाहिए, तो वो रनवे विजिबिलिटी कम होने की वजह से इस फ्लाइट को लैंडिंग में देरी हो रही है। तो आशंका ये है कि इसको थोड़ी देर अगर क्लियरेंस नहीं मिलती है तो ये दिल्ली या कहीं आसपास के किसी और शहर के लिए डाइवर्ट हो जाएगी। और जो दूसरी फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट की और अगर हम बात करें तो वो नियमित रूप से उड़ान भर रही है, उनमें दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी जो फ्लाइट्स हैं, क्योंकि जो बड़े विमान है उनमें CAT-3 भी, इंस्ट्रूमेंटेशन सपोर्टिंग सिस्टम भी होता है, और उनके रनवे दृश्यता भी उनके हिसाब से ठीक है, तो दूसरी फ्लाइट्स हैं वो तो आसानी से उड़ान भर रही हैं और लैंड हो रही हैं। बाकी इसी फ्लाइट की लैंडिंग में समस्या हुई है, और उसके पीछे कारण ये है कि रनवे दृश्यता थोड़ी कम है, और ये ATR विमान है जिसमें की CAT-3 भी सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है। ठीक है काशीराम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।